subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. इधर 25,000 से कम कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं दिलवाया तुमको सिर्फ 7,500 रुपए में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद काय का? ये सेल्स टैक्स कॉलोनी है, इधर बाहर का आदमी रहने को अलाउड नहीं है, रहेगा तो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन मेरी कंपनी तो प्राइवेट है भाई। हेलो, रहने का ना, मैं रखा है ना तुमको रहने का बिंदा, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट रूल के साथ, समझा क्या? वही कॉम्बिनेशन है,
वही पोटेंशियल। तुम लोगों ने क्या किया है, पैकेजिंग नहीं कर दी है। पैक ही अट्रैक्टिव है या और भी कुछ है? कमीशन के बारे में तुम्हारी कंपनी वाले कुछ नहीं बोलते? क्या विचार है, खाने में आके रिपोर्ट करोगे? जी नहीं, ऐसे लोगों से निपटना आता हमें। कह दिया मैंने कि कमीशन की बात पसीजा साहब से कीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर तक पे भरोसा नहीं कर सकते आप इस शहर में। मुंबई महानगरी बनारस होता ना तो तीन जूता लगाते और साले के रेस्टिकेट करवा देते मेडिकल बोर्ड। अरे क्या है यार, क्या है ये? अरे आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, व्हाट प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं आपसे कुछ बात नहीं कर रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, व्हाट हैपेंड टेल मी ना, एनी भूल चूक कथा जो का सुधार देंगे ना। ओनर है हम यहाँ। आप ओनर है यहाँ के? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश के। कोई प्रॉब्लम? उत्तर प्रदेश में कहाँ से? कानपुर से। कहाँ है? कानपुर से हैं। ऐसे नाम डुबाएंगे आप कानपुर का? ऐसे बनती है पूरी आलू? कड़ी पत्ता पड़ता है कभी आलू में? बाप रे भाई, आपके दोस्त है क्या? माय फ्रेंड। बड़ा गहन सोच वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। यार राजा बनारस, एक बार बता दे कानपुर और जब बनारस, ये सब जगह नहीं है, सब मुंबई है। जो बनता है वही चलता है और जो चलता है वही बनता है। हाँ भैया, हिंदुस्तान है, सब चलता है। तो चलो सही गलत सब चलो, इसी चलाओ पद्धति की वजह से घिसट घिसट के चल रहा है हमारा देश। अरे पुलिस तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। ओ ये नोट फट ले लिया है, नोट फटा है। अरे तो ठीक है ना, हिंदुस्तानी है ना, यहाँ पर सब चलता है, ये भी चलेगा। ये मुंबई है सेठ, इधर ऐसा नहीं चलता है। मुंबई हिंदुस्तान से अलग हो गया आज। अरे क्या करते हो भाई, ये कोई तरीका है? गलती हो गई सर। गलती हो गई, तुम लोगों की वजह से पान खाने वाले बदनाम है। हाँ चंद्रमोहन, छापा पड़ा है, विजिलेंस वाले आए। हाँ तो? तो क्या, पकड़े गए तो धर लिए जाएंगे और सील बंद हो जाएगा फ्लैट। ये सरकारी कॉलोनी है, यहाँ पर सरकारी नौकर ही रह सकते हैं। अरे तो अब क्या करें भाई? ये काम थोड़ा मुश्किल है। हाँ घर लौटेगा ना, थमेगा
सजना को मैं ना तोडूं, सजना है मेरे सजना की तावड़े हैं दीदी, अपना सिद्दीकी साहब है ना, उनका एजेंट। क्या हो रहा है, महीने भर से डिपॉजिट देके रखा है, ये क्या नाटक चल रहा है? चाबी कब मिलेगी मुझे? हेलो मैडम, चाबी लाया मैं, पर वो सिद्दीकी सेठ मेरे को क्या बोला, पहले आपको मिल के आए। सेल्स टैक्स कॉलोनी है, ऐसा रहना किसी को भी अलाउड नहीं है उधर, रहने का लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट रूल के साथ रहने का, समझा क्या? हेलो, ये हेलो हेलो करके क्या बात कर रहे तू? हाँ अंकल, मेरा सतारा का एसीपी है, समझा ना, मुंबई में घुसना बंद कर दूंगी मैं तेरा। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। सब समझती हूँ मैं, डांसर हूँ, एसोसिएशन है अपनी। साला बड़ा आया हेलो हेलो करके बात करने वाला, निकल यहाँ से। हेलो सुनिए, हेलो मैं किधर कुछ बोला? मैं कुछ भी नहीं बोला। ये आया क्यों इधर? क्यों आया क्यों इधर? चाबी देने के लिए आया दीदी। तो फिर देता क्यों नहीं है ये? अरे देना यार। हाँ तो दे रहा हूँ ना यार, मेरे को किधर रखने का मेरे पास? नो प्रॉब्लम गाइस। ए संभाल के रह क्या? हाँ नहीं वो स्टाइल से बात कर। हाँ तो क्या रूल रूल कर रहा था तू? रूल कोई रूल नहीं, मैं कुछ बोला? मैं नहीं बोला, कोई रूल का बात ही नहीं किया, नो रूल। हेलो सॉरी दीदी, नो रूल। कुछ नहीं सब ठीक है। अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या? कौन आ गया? Do you live here? आप यहाँ रहते हो? हाँ मेरा मतलब है, नहीं ये मेरे अंकल का फ्लैट है, वो कुलाबा में रहते हैं, मैं नंबर देता हूँ, आप खुद ही फोन करो। नो 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 इट्स ओके, आई डोंट वांट टू टॉक टू योर चाचा। वो क्या है, हमारे ये सामने वाले फ्लैट में हमारी फ्रेंड शिफ्ट हो रही है और वी आर हेल्पिंग हर आउट, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं, ठीक है मैं पानी। नहीं नो नो इट्स ओके, डोंट बॉदर, हम ले लेंगे। इतने सारे पानी का आप लोग करेंगे क्या? घर दो लेंगे और क्या। You'll have tea? जी नहीं। Okay. बीजल वो चाय नहीं पिएगा, मैंने कबर्ड में देखा था एक थर्मस है। बिस्किट भी है, ले लूं क्या? अरे बाबा यू सो रूड, एस्क हिम फर्स्ट ना।
Can we please? Listen, you couldn't have done that step. Yeah, वो मतलब तू ऐसे पीटी वाला कितने पुराने समझ। अच्छा दिखा दे मुझे कैसे कर लेगी तू। How would you do it? You नहीं जब मैं आई तो देखा साला बाथरूम का वाटर पाइप ही नहीं था। अरे नहीं रे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यू नो दर्शील ना बैड बगर यार ये लोग सब गए सामने वाले फ्लैट में और वहां से तो पानी लेकर आए और चाय भी वहीं से और सारा बिस्किट भी वहीं से लेकर आए। फिर सामने वाले फ्लैट में रहता है कोई गया है शायद अकेला रहता है। अरे आईपीस से जानता रहता है सारा। हाँ होगा कोई चल ना मैं क्यों बात करूँ होगा कोई साइको चल ओके बाय। ए पप्पू प्रॉब्लम है क्या जी लिफ्ट रुक गई है चलना नहीं है अरे तो शादी करके करेंगे क्या इनको बनारस में रखेंगे या यहाँ लेकर आएंगे मुंबई में जहाँ हर 11 महीने पर मकान बदलना पड़ता है। अजीब दर्द है। अरे अम्मा मुंबई में 11 महीने में मकान बदलना ही एक समस्या नहीं है। सामने वाले फ्लैट में चल। ओप्स तो पहले बोलना चाहिए था ना डूड। अब ये भी नहीं बोलेगा डूड। हे डूड व्हाट्स अप साले बनारस में होते तो देते एक चमट सारे डूड के दांत बाहर आ जाते एक चमट। महक पार्टी है यहाँ पे पार्टी वहाँ चल रही है। थैंक यू अंकल। सोलह बियर कैन 12 चिप्स के पैकेट 3 सिगरेट के पैकेट और 2 लीटर तुम सब चेक कर लीजिए। ये सब किसने मंगाया आपकी मैडम ने अभी बोला था। अरे कौन सी मैडम अरे पूछो उन्होंने अभी फोन किया था कुछ पार्टी आर्टी बोल रही थी जल्दी चाहिए। अरे जल्दी चाहिए तो पूछना नहीं था कि फ्लैट नंबर क्या है हा? पूरे कॉलोनी में पार्टी हो रही है कि घर घर बियर बांटते घूम रहे हो आओ देखा ना था किसी का घंटी बजा दिया। सर उन्होंने फ्लोर नंबर बताया था
फ्लैट नंबर नहीं बताया था तो मुझे लगा कि सर फ्लोर ही उनका पूरा होगा। हाँ, पूरा फ्लोर क्यों, पूरी कॉलोनी उनकी है। और कॉलोनी क्यों, पूरा शहर ही इन जैसे लोगों का है। और सुनाई नहीं दे रहा है, पार्टी वहाँ हो रही है, धूम धड़ाका वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं। उठाओ चलो यहाँ से। अब सर सर वो पर्ची फिर से आना। पार्टी बंद करो साहब। क्यों मैडम, बहुत शोर हो रहा है, एक कंप्लेंट आई है। किसकी? विद्याधर साहब की। पार्टी वहां चल रही है। पता है। वॉचमैन बोल रहा था कोई प्रॉब्लम है तुझे? जी हमें नींद नहीं आ रही थी। अभी तो सिर्फ 11 बजे। लोरी सुनाए क्या? 11 बजे सोता है तू? क्यों? आपको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तो उसे होगी जो 11 बजे सोता है। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ए माइंड योर लैंग्वेज, चोर किसको बोल रहा है? ये कहावत है, आपकी समझ में नहीं आएगा। ए मिस्टर, ज्यादा शान पट्टी नहीं दिखाने का, समझा ना? महक, डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। Bro, come on. I mean, come to the party. It'll be fun. We'll sit. We'll talk. जी नहीं, मुझे आप जैसे लोगों से बात नहीं करनी। अगला शराफत से बात कर रहा है और ये सर पे चढ़ी जा रही। मैं तब से आप कह रहा हूँ और इनको तू तड़ाक से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अजी पार्टी आपके यहाँ चल रही है, प्रॉब्लम मेरी बता रही है। तो तेरे घर में भी तो होगी ना पार्टी कभी ना कभी। जी नहीं, और होगी भी तो ऐसी नहीं होगी, और इन जैसों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। रात के 11 बजे दूसरे के घर का दरवाजा नहीं पीटेंगे हम। 36 बार घंटी बजा चुके हैं आपके दोस्त, ये कोई इंक्वायरी काउंटर खोल रखा है मैंने। 36 बार। कम ऑन गाइस, आउट। कम ऑन गाइस, कम ऑन आउट। किसने बजाई? किन 36 लोगों ने बजाई इस घर की घंटी? देखिए 36 का मतलब 36 ही नहीं होता। ए कम ऑन ड्यूड, चिल आउट मैन। देखिए आपको जो करना है अपने घर में कीजिए, लेकिन आज रात एक बार भी फिर से घंटी बजनी नहीं चाहिए मेरे घर की, समझ गई ना आप? अब कोई घंटी नहीं बची, सबको पता चल गया पार्टी के लिए। नो प्रॉब्लम ना? आई सी आपको नहीं, सर पर रख, सर ठंडा हो जाएगा। अरे वॉचमैन, वो मैडम को बुलाया था, क्या हुआ? वो तो चली गई साहब। चली गई मतलब? हम तो बोल दिए थे पर 10 मिनट हुए, मैडम ऑटो में चली गई। लीजिए ये तो हाल है, सोसाइटी तक की इज्जत नहीं है, सारे फिल्मी लोग ऐसे ही होते हैं चतुर्वेदी, समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं? नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, मैं महक मालवाड़े। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, वो एक्चुअली नए फ्लैट में आई थी तो मैं सोचा ज़रा पूजा कराऊँ। ये लीजिए आप सबके लिए प्रसाद। जी सर, बहुत बहुत। आप चाय लेंगी? अब नहीं सर, एक्चुअली मैं बस काम पर निकल ही रही थी। आप लेंगी? तो मैंने सोचा अपने सब पड़ोसियों से मिलते जाऊँ। वेरी नाइस टू मीट यू। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू मीट यू सर। वेलकम टू द सोसाइटी सर। शुक्रिया, थैंक यू। तो सर अब मैं चलूँ? एक मिनट, आपसे एक ज़रूरी काम था, अगर आप जल्दी में ना हो तो। ज़रूर, आप बताइए, मेरे लिए तो सोसाइटी सबसे ज़रूरी है, आखिर मुझे यही रहना है ना? कल रात आचार्य जी को बहुत तकलीफ हुई। ये इनका फ्लैट है? जी नहीं, किराएदार हूँ। लेकिन क्या किराएदार को तकलीफ नहीं हो सकती? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, कैसी तकलीफ? अजी यहाँ पे टाइम होता है लोगों का सोने का,
आप 9 बजे सो जाते हैं? 9 बजे 11 बज रहे थे और 4 बजे तक चल रही थी आपकी नौटंकी। म्यूजिक से इतनी नफरत? Isn't that very strange? देखिए जी, म्यूजिक से नफरत नहीं है मुझे, लेकिन म्यूजिक कब कहाँ कैसा बजाना चाहिए इसका भी एक तरीका होता है। मुझे तरीका मत समझाइए। हमने भी महाविद्यालय नहीं खोल रखा है आपको सिखाने के लिए। चतुर्वेदी जी आप बताइए। प्लीज प्लीज विद्याधर जी, महक जी, आप दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को तो मिलजुल के रहना चाहिए, इस तरह से लड़ना क्या शोभा देता है? बरोबर है साहब, एकदम बरोबर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर आप समझते हैं, आप समझते हैं कि एक अकेली लड़की को कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो इस शहर में आती है। रोज के वही लोकल्स में धक्के खाना, बसेस में धक्के खाना, लेकिन फिर भी वो आती है, यहाँ रह के काम करती है। और फिर क्या, उसे एक अच्छी सी सोसाइटी चाहिए बस। और मुझे एक अच्छी सोसाइटी मिली है जहाँ पे मुझे एक फ्लैट मिला है। एंड एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा फ्लैट नहीं है, ये मेरा घर है। और आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपने नए घर की खुशियाँ अपने दोस्तों के साथ एक शाम के लिए बिता नहीं सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम समझते हैं, हम सब लोग समझते हैं। नहीं चतुर्वेदी साहब, अब ये बताइए कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो उसकी खुशी में आप पार्टी नहीं थ्रो करते, और पार्टी थ्रो करते तो म्यूजिक नहीं होता। आप सर ये भूल जाइए कि मैं आपके आगे बैठी हूँ, ये सोचिए कि आपकी अपनी बेटी बैठी है। अब बताइए बताइए। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, हम सब समझते हैं, कितना मुश्किल है बम्बई में आके रहना, मकान का मिलना, काम करना। सर मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ, अब मैं चलूँ? यस यू मे, आप जा सकती हैं। सॉरी बेटी, हैव ए गुड डे। I know my steps, Palash. You think they don't? हम सब बेवकूफ हैं जो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। If you're bored, go home, Vijay. Please, please leave. Sorry. Palash, I said I'm sorry. Join. हमारे खिलाफ भी तो एक ही कंप्लेंट आई है ना, और किसी को भजन कीर्तन से इतनी नफरत हो सकती है? ये मेरे लिए भी बड़ा स्ट्रेंज है चतुर्वेदी जी। लेकिन वो पार्टी? पार्टी कहाँ चतुर्वेदी जी, पूजा हो रही थी। इन्होंने तो पार्टी कहा था। मैंने नहीं, इन्होंने कहा था, और ये अलग बात है कि अभी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिस संस्कृति को मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ आज भी झूठ को पाप समझा जाता है, समझिए आप। रियली? लेकिन आचार्य जी, पूजा तो शांति से भी हो सकती है ना। ये अच्छा चतुर्वेदी जी, पार्टियां धूम धड़ाके से होनी चाहिए, लेकिन पूजा शांति से होनी चाहिए, क्योंकि पार्टियों में तो इंसान को म्यूजिक चाहिए होता है, बियर चाहिए होती है, भगवान को तो जैसे कुछ चाहिए ही नहीं होता। अब भगवान को भी बियर चाहिए? देखिए आप चुप हो जाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आचार्य जी देखिए चतुर्वेदी जी, इस शहर में ना हम भी अकेले ही हैं, और मर्द है तो क्या हुआ, हमारी जिंदगी में भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी किसी सिंगल वुमन को हो सकती है। बसों ट्रेनों में हम भी रोज धक्के खाते हैं, और हमारे लिए तो सीट भी रिजर्व नहीं होती, लेडीज सीट से उठा दिया जाता है, और हमने भी बड़ी मुश्किल से ये फ्लैट खोजा है। और देखिए चतुर्वेदी जी, ये मेरा भी फ्लैट नहीं है, घर है,
बड़े प्यार से हमने भी ये घर बनाया है और बड़ी मुश्किल से ढूंढा है और हम तो कुछ ही बांट भी नहीं रहे। और देखिए चतुर्वेदी जी, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पंडित जी ने कहा है कि मुझ पर शनि की दशा है और रोज रात को पूजा करनी होगी बस। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके बेटे के ऊपर शनि की दशा होती और उसे रोज पूजा करनी होती तो आप उसे रोक देते? नहीं नहीं, समझ के बताइएगा। और ये समझिए कि आपके सामने मैं नहीं हूं, आपका बेटा खड़ा है। अब बताइए, हैं? ये लीजिए प्रसाद, खाइए, प्रसाद है भगवान का, मिठाई नहीं, शुद्ध देसी घी में बना है, खाइए। जो जरूरत से ज्यादा चालाक बनते हैं ना, ओवर स्मार्ट, उन्हें उनकी औकात बताना जरूरी होता है। अबे यार, स्मार्ट ओवर स्मार्ट की बात क्या है, आखिर है तो वो लड़की ना, और वो भी अकेली। तुम ऐसे दुनिया को बड़ा लेक्चर सिखाते हो, इसमें तमीज नहीं है, उसमें तहजीब नहीं है, ये है तुम्हारी तमीज, एक लड़की ऊपर धोना चमा रहे हो। देखो, जिन्हें लगता है ना कि कुछ भी करें भद्र अभद्र कुछ नहीं होगा, उन्हें समझाना जरूरी होता है नागेश, कि शेर को एक दिन सवा शेर मिल ही जाता है। हाँ सर। नहीं सर, 4 बजे पहुँच जाऊँगा मैं, अपॉइंटमेंट ले लिए डॉक्टर साहब जी। अभी 4:30 हुए हैं सर। मैं पहुंचा आज। अच्छा, कल। अरे यार, पसरी चाह ब्रदर फ्रॉम तभी कबाऊ अंगूर तो कबाऊ लंगूर। देखिए महक जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे, सॉरी। सॉरी क्यों? देखो, तुम ढंग से रहो, हम ढंग से रहेंगे, कोई लोचा नहीं। अंकल बाजू उठो ना। नमस्कार। बस एक बात कहनी थी आपसे, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। गुस्सा मुझ पर हावी हो गया था, इसलिए बहुत कुछ कह दिया मैंने गुस्से, इसलिए सॉरी। वैसे ऐसे हैं नहीं, हूँ बदतमीज नहीं है, छोटे शहर से हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग हैं, तमीज और संस्कार जो है हमें घुट्टी में पिलाई जाती है, समझ रही है ना आप क्या कह रहे हैं? चल उठ, चल उठ और निकल यहाँ से। आप भी कमाल है, मैं विनम्रता से बात कर रहे हैं आपसे और आप बदतमीजी करने पे तुली हुई हैं। तूने अभी मेरी बदतमीजी देखी नहीं है, अगर मैं अभी चिल्ला के कह दूँ ना कि तूने मुझे हाथ क्यों लगाया है, तो ये सारी बस तेरे सारे संस्कार यही निकाल के रख देगी। चलो उठ। आया साला। ओ यार, तेरी प्रॉब्लम की है। देख, अगर तू अपने क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकता तो अपना गोरिया बिस्तर बांध और यहां से बनारस वापस चले जा, वहां जाकर बेच कोई देसी तंत पंचन। तंत मंजन के बारे में मालूम क्या इनको? चुप। ये क्या बनाया यार, रोज का कभी आलू में कड़ी पत्ता डाल देते हो। हेलो हेलो सर, क्या करते रहते हैं आप भाई? अरे दिस इज पूरी साहब, नॉट योर वाइफ का रसोई, डेली आ जाते हैं खाना खजाना प्रोग्राम लेके। चलिए आप निकलिए। मुझे भी नहीं खाना। ओ, ये नोट फट ले लिया है, दूसरी जाओ। हर चीज में लॉ फॉलो करते हैं आप लोग, साले 10 रुपए मुंह पे फेंक के मारूंगा अगली बार। आज तो बड़ा अच्छा दिन है आपका। क्या अच्छा दिन है बता। अभी 2 घंटा पहले ही विजिलेंस वालों का छापा पड़ा था। आपके खुशकिस्मती कि आप थे नहीं घर पे, पर मैडम की किस्मत खराब थी, पकड़ी गई। इसे कहते हैं न्याय। सरकार के घर में देर है अंधेर नहीं, और मनाऊ पार्टी।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर क्या रही हैं आप यहाँ? देखिए, और आप मेरे घर में घुसी कैसे? ताला तोड़ा आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का ताला तोड़ के घुसने की? हैं? शर्म नहीं आती ना तुझे? जी? कावड़, डरपोक, साला मेरी रिपोर्ट की ना तूने? ये ज़बान संभाल के बात कीजिए। चल रे, तो जैसे से बात कौन करना चाहता है? हाँ, आईपीस से जाके देखता रहता है ना, लड़ी सेडिस्ट। सोसाइटी वालों के यहाँ शिकायत लगाने से बात नहीं बनी तो गया दुम हिलाते हुए विजिलेंस वालों के। देखिए, आपको तो समझ में भी नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रही हैं और मुझे सुननी भी नहीं आपकी बकवास। देखिए, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलते चलिए यहाँ से प्लीज। औरत समझ के फायदा उठा रहे? जी नहीं, आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे चतुर्वेदी मत समझिएगा। ये सिंगल वुमेन वाली नौटंकी ना मेरे ऊपर नहीं चलेगी, कोई फायदा भी नहीं है। चलिए 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 चलिए। अरे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सदमे के साथ साथ कान पे भी असर हो गया है। ये ताम तिबड़ा उठाओ और निकलती बनो यहाँ से। और ये मत समझना कि अकेली लड़की समझ के कुछ कहूंगा नहीं, उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। मारेगा, मारेगा मुझे। सर फेंक के तो दिखा। सामान तो फेंक ही सकता हूँ। ए, ए, खबरदार मेरे सामान को हाथ लगाया तो तुमने। क्या, क्या, क्या करेंगी क्या आप? तू हाथ तो लगा के दिखा। लगा दिया हाथ, अब कीजिए जो करना है। नमस्कार, मैं विद्याधर आचार्य पांचवी मंजिल पे रहता हूँ। मुझे चतुर्वेदी जी से बात करनी है। ये क्या टाइम है आने का? देखिए, इमरजेंसी है, सोसाइटी के बारे में बात करनी। वो तो दिल्ली गए दो दिन के लिए। अरे, ऐसे कैसे चले गए दिल्ली? मेरा मतलब है, मेरी फ्लैट में प्रॉब्लम है। मिस्टर प्रेसिडेंट है ना, मिस्टर देसाई, उसके साथ बात कीजिए। इसमें से तो आवाज ही नहीं आ रही है। रात हो गई है ना साहब, फिर इंटरकॉम बंद करके सो जाते हैं। अरे, सोसाइटी का वर्किंग प्रेसिडेंट है, बंद करके सो जाते हैं का क्या मतलब है? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। अरे वॉचमैन, कौन लड़ा कर रहा है आधी रात को? जी मैं विद्याधर आचार्य 101 ए विंग, जरूरी बात करनी थी फ्लैट के बारे में। देखो बॉस, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ शराफत से रहने का, समझा ना? पुलिस बुलाऊंगा मैं। जरूर बुला। अच्छा है, पुलिस भी आएगी और विजिलेंस वाले भी। अच्छा है, यहाँ पे भी सील लगेगी और खाली पीली होल नहीं देने का, समझा ना? सड़क पे आ जाएगा साला। सैलरी कितनी है तेरी? कमाल है, मेरी सैलरी से आपका क्या लेना देना? मुझे कुछ नहीं लेना देना, डांसर एसोसिएशन का कार्ड है मेरा, अच्छी बड़ी पेमेंट मिलती है हम लोगों को। यहाँ से गई तो डबल रेंट पे कहीं घर ले लूंगी। तू क्या करेगा? हाँ, 25,000 से कम में घर नहीं मिलेगा तुझे, सड़क पे आ जाएगा, इसलिए चुप कर और शांति रख, समझा ना? आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? मैं यही रहूंगी जब तक मुझे मेरा घर वापस नहीं मिल जाता। हनुमान ज्ञान गुण सागर छह कपिश दो लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुधामा के संगीत विराज का कारण कुशल के सहा ग्रंथ और ध्वजा ग्रंथ के कारण यार। What do you think? Not bad. Fantastic. I knew it.
Next. Who do we take for the lead? Aishwarya? Priyanka? Or Bebo? No. I said no. No stars. इस म्यूजिक वीडियो को स्टार्स नहीं चाहिए, एक फ्रेश चेहरा चाहिए. जस्ट वन फैबुलस डांसर. एक लड़की जो कुछ बनना चाहती है. और इसे स्टार बनना? Yes, sir. Can't hear a thing. Yes, sir. Good. ऑडिशन कल सुबह होगा, सबको फेयर चांस मिलेगा. Don't let this chance go waste. Give it your best shot. ये तुम्हारा बेस्ट है? No, sir. So let me hear the best you can do. We'll do it. We'll do it. We'll do it. Do it. Do it. मेरे लिए खाने के लिए वेट मत कर. जी नहीं. मैं आपकी वेट नहीं कर रहा था. What the hell? How dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी चीजों का हाथ लगाने की? हाथ क्यों लगाया मेरे सामान को? देखिए, अपना सुर जरा नीचे रखिए. कमरे की हालत देखी थी? कूड़े से भी बदतर करके गई थी. 2 घंटे लगे साफ करने में. और अगर आप धन्यवाद, शुक्रिया या थैंक यू नहीं बोल सकती तो मत बोलिए, लेकिन कृपया चिल्लाइए मत. तुम मेरे बेडरूम में घुसे क्यों? बेडरूम आपका? आपका? ये घर मेरा है और ये बेडरूम भी मेरा है. बेडरूम उसका होता है जो बेड पे सोता है. तो ठीक है, आज तक इस बेड पे तो हम ही सोते आए थे, आगे से भी हम ही सोएंगे. मारिए कितना झापड़ मार दिया. पप्पू ज्यादा मच मत करो, सो जा. हद है यार, यही सिखाया गया है आपको? ऐसे पेश आते हैं शरीफ लोगों से? मैं कुछ पेश पूछ नहीं कर रही. डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग मी. ठीक, चिपक के रहो इस बेड से. अभी कह रही हूँ ये बेड तुम्हारा, कल को कहोगे ये घर भी तुम्हारा. कोई शक? ठीक, ये बेड तुम्हारा, ये बेडरूम तुम्हारा, ये घर भी तुम्हारा. सुनो यहां पे, दरवाजा पटक के मत जाना. टाइम क्या हुआ? 12:40. ड्यूटी पे है क्या? ड्यूटी? मतलब कुछ काम है यहाँ? जी नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हूँ. क्यों, घर नहीं जाना है? जी नहीं जाना. तो होटल चले, टैक्सी बुलाऊं? देखिए, आप गलत समझ रही हैं. मैं वैसा नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं. जेंटलमैन, इंग्लिश चलेगा? नहीं तो फ्रेंच भी बोलती मैं. अरे आपके बात समझ में नहीं आती, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं करना है. ओह, कुछ नहीं करना है तो धंधे का टाइम भी फोटी करता है. खाली पीली चल निकल यहाँ से. क्यों, आपके पिताजी की जमीन है, हाँ, उन्होंने खरीदी है ये, मैं नहीं खड़ा हो सकता? मैं अभी इस देश का नागरिक हूँ, अपने अधिकार पता है मुझे. आप निकलिए यहाँ से, नहीं पुलिस को बुलाऊंगा मैं. चलिए चलिए. पागल है तो बिल्कुल, दिमाग किस चला है इसका? केड़ा कहीं का धंधे का टाइम खोटी करता है. अरे वो मेरा दिमाग खराब करता है. अरे काय चाललंय तुझं? मारने किती वायकांना का त्रास देतो? मुझे मराठी समझ में नहीं आती. आप इधर मराठी सीखने आया तू रात को? नहीं, मराठी सीखने नहीं आया हूँ, मैं यूँ ही टहलने आया. टहलने?
जी टहलने? हाँ भटकायला। जी नहीं मैं भटका नहीं हूँ, क्या है कि वो महिला मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने उनको समझाया कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। तो तू किस तरह का आदमी है जी? तू किस तरह का आदमी है, पियला है क्या? जी नहीं मैं शराब छूता तक नहीं। अच्छा तो किधर रहता है? मैं सेल्स टैक्स कॉलोनी में रहता हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है? जी नहीं मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्राइवेट फर्म है उसमें। तो सरकारी कॉलेज में कैसे रहता है? वो मेरे अंकल हैं सेल्स टैक्स में, वो ऑफिसर हैं और उन्हीं को वो मकान मिला है, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते, वो कोलाबा में रहते हैं। मैं चलो 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 कहाँ कहाँ? अरे मैं तो क्या सीएम ही कह रहे, तेरे हर सवाल का जवाब देते रहूं मैं। चल भूख लगी है? जी नहीं। पक्का भूख नहीं लगी? बचा हुआ खाना वॉचमैन को दे दिया। क्यों? क्योंकि तूने मेरा रूम साफ किया तो मैं भी तेरा रूम साफ कर दिया। ये तो बहुत मेहरबानी है आपकी, कम से कम इस घर में एक कमरा तो हमारा समझा। That means I'm not unfair, ना? देखिए हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करें। Fine. If you don't want it, it's okay. Khale. Nahin. Khale, khale. Arey, khali pet se pareshani badhti hai, kam nahi hoti. Khana, Pappu. तेरा मूड ठीक हो तो मैं एक बात पूछूं? क्या मैं तुझे सेक्सी लगती हूं? जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, हिलना नहीं, मैं अभी। पापू प्लीज आप कहीं जाना मत, प्लीज। मतलब अरे अरे ये लाइट कैसे चली गई? महक जी फ्यूज होगा, मैं देखता हूं। जा तू, जा तू, मेरा
दिल की बातें ना दूर जा तू बस आ ना होंगी फिर ये रातें जहां सो गया ना कोई अब यहां पर तू है कहां ओ जाने जाना जा तू मेरा बदन बहके बहके मेरे कदम अब क्यों दूरियां अब क्यों फासले जब दिल बोलना सेक्सी होना मैं आपने समझ क्या रखा है हमें इज्जत करते हैं हम औरतों की शर्म नहीं आती आपको कल ऑडिशन है मेरा इसलिए पूछा था अगर तू हां कहता ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता मेरा लेकिन जिसके दिमाग में कचरा भरा हो ना वो लड़कियों को एक ही एंगल से देख सकता है थैंक यू हे गर्ल्स ही इज हियर गुड मॉर्निंग गर्ल्स गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर सो ओके ग्रेट अच्छा अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि प्लीज टेक ऑफ योर टॉप्स व्हाट डू यू से फनी है ओके सो प्लीज टेक ऑफ योर टॉप्स व्हाट आर यू सेइंग सर टेक देम ऑफ व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज कौन सी भाषा में समझाऊं अपने टॉप्स उतार दीजिए प्लीज वाज इट सो कॉम्प्लिकेटेड डोंट लुक एट मी लाइक दैट आई एम आस्किंग फॉर टू मच अच्छा जिस जिसको शर्म आ रही है दरवाजा उतरो चलो चलो गेट आउट डोंट वेस्ट माय टाइम गेट आउट डोंट वेस्ट माय टाइम जस्ट गेट आउट थैंक यू और मुझ पे जरा सा भरोसा करने के लिए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ओके नाउ इफ आई वाज टू आस्क यू टू टेक ऑफ योर स्कर्ट्स वुड आई बी वेरी अनरीजनेबल आई एम सॉरी सर बट आई वोंट बी एबल टू डू दिस आई मीन यू मीन व्हाट व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू इट कितने साल से जानती हो मुझे एम आई एन अनरीजनेबल मैन We're looking for a girl who's not ashamed of her body for this music video, for God's sake. Agar mujh pe zara bhi bharosa hai tum logon ko, we'll do it, right? Are you going to do it or no? Okay, get out. They call themselves artists. Strange, Just call it off and say sorry to concert. Lekin sir. What? Mehak, tum kyun wapas aa gayi? Kyunki sir, I trust you. देखिए आप मुझे अरे चल ना हमेशा दिमाग का घर क्यों बनाता है तू मतलब तेरे अपनी शक्ल देखिए कितनी सड़ी हुई है उम्र क्या है तेरी 30 से ऊपर तो नहीं होगा ना तू हाँ पर लगता है तू 40 का क्यों
शो इतनी टेंशन लेता है यार, जस्ट रिलैक्स। देखिए मैं एक बात कहूं? नहीं, फॉर अ चेंज आज मैं बात कहूं। आई एम गोइंग टू बी अ स्टार। आज मेरा ऑडिशन था और मैं सिलेक्ट हो गई। ये देख मेरा साइनिंग का चेक। हाँ देखो, मालूम है ये क्या होता है? कितना बड़ा है इस घर का? 7,000 ना? ये 3,500 का चेक सिर्फ दे 50-50। ओ तो अब तेरा मेल ईगो हर्ट हो गया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुझे अपना घर किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं, अब मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पर तू समझता क्यों नहीं है कि तेरे पास और कोई चारा ही? देखिए मैं एक बात बोल सकता हूँ? हाँ कर। कहूँ? देखिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, आप सेलेक्ट हो गई। थैंक्स। और दूसरा ये कमरा भी बुरा नहीं है, अच्छा सजाया। तेरे को अच्छा लगा? जी सच्ची में अच्छा लगा। ये देख लाइट वाले हनुमान जी, मैं स्पेशली तेरे लिए लेकर आई। और ये देख, ये मैंने खुद बनाया। ये देख कैसा लगा? ये भी अच्छा है, लेकिन इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत थी? किराए का घर है, कभी भी निकलना पड़ सकता है। अरे जब निकलेंगे तब हम निकलेंगे यार, तब तक हम स्टाइल में रहेंगे। बोल केक खाएगा? और देखिए आप मुझे दोस्ती करने की कोशिश मत कीजिए, आज आपका अच्छा दिन है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन तू ना पप्पू ही रहेगा। जा, कोई आया है। छापा पड़ा है विजिलेंस वालों का। अब क्या करेंगे? यहाँ दम फूला जा रहा है आपको, हम सुलझ रहा है। बचपन में जब हम चोर पुलिस खेला करते थे ना, उसकी याद आ गई। अच्छा तो उसमें चोर कौन और पुलिस कौन? ऑब्वियसली हम पुलिस और विजिलेंस वाले चोर। ये अच्छा, विजिलेंस वाले चोर। तेरा पैर कैसे? हाँ मेरे पैर को क्या हुआ? तू गिरा था ना? मैं गिरा नहीं था, ये आपके कान का गिर गया था, इसे उठाने के लिए रुका था। ओह थैंक यू। आपको भी थैंक यू। किस बात का? अरे इतना अच्छा घर सजाया आपने। जब से मैं मुंबई आई हूँ ना, मैंने खुला आसमान ही नहीं देखा। सब लोग अपने चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि ऊपर देखने का वक्त ही नहीं होता। हम ऊपर कब देखते हैं? जब बेडरूम में होते हैं, बेड पे सो रहे होते हैं, और दिखता क्या है? अपने बेडरूम की सीलिंग। हमें भी बहुत याद आती है अपने घर की छत, वो घंटों लेटे रहना, आसमान को ताकते रहना, तारे गिनते गिनते देखते देखते सोचना। वो देख रही हैं वो दक्षिण में वो जो 7 तारे हैं ना? आपको पता है उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि। पता है हमारे घर में भी दिखाई देता था कोल्हापुर में। पता है यहाँ पे भी चाय होती ना तो मजा आ जाता। मांगा भी तो क्या मांगा महक जी। ये क्या चाय लेके घूमता है?
घूमना पड़ता है, पता नहीं कब विजिलेंस वाले आ जाएं, और कभी कभी तो घंटों काटना पड़ता है यहाँ छत पे। चाय का सहारा रहता है, गर्म है, देखिए चाय के मजे लीजिए। तू भी नहीं, मैं अपने लिए तो बना ही रहा था, तो मैंने सोचा कि एक कप और बनाने में कोई अर्थ नहीं है कि नहीं। थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय अच्छी बनी है? एकदम भंकस, दूध कम, पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं, और चीनी बहुत ही कम, पर फिर भी थैंक यू। नहीं नहीं, तरिया दिली दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जब चाय पसंद नहीं आई तो अपना थैंक यू क्यों बर्बाद कर रही। ठीक है, मुझे तेरा जेस्चर पसंद है। मेरे बचपन से बस यही सपना था कि मैं सुबह उठूं और मेरे आगे एक चाय का कप हो। सिर्फ चाय के सपने आते हैं आप? नहीं, कभी ऐसी चाय के नाइटमेयर भी आते। अब सर मत, मैं बस पंच मार देती। इट्स ऑल राइट। खाने को क्या है? खाने को ब्रेकफास्ट। तो नाश्ता नहीं करता? नहीं, नाश्ता करते हैं हम, लेकिन जिसे सुबह सुबह कचौड़ी और जलेबी की आदत हो वो क्या खाएगा ये मिसल और पाव? छी, इतना तेल वाला खाना कैसे खा सकते हो? तेल वाला नहीं है, शुद्ध देसी घी में बना होता है। Even worse, I hate घी। हाँ, अच्छी चीजें तो लुप्त होती ही जा रही हैं। वैसे मैं ऑफिस के बगल में एक चाय वाला है, वहाँ चाय और फैन खा लेता हूँ कभी कभी। फैन? वो वाला फैन नहीं, वो भी होता फैन की तरह ही है, लेकिन लंबा होता है, कुरकुरा सा, खाने की चीज होती है, चाय में डुबो के खाते हैं। अच्छा, खारी? नहीं, खारा नहीं, वो नमकीन होता है हल्का सा। अरे, हमारे यहाँ उसे खारी कहते हैं। हमारे यहाँ फैन कहते हैं। अजीब है। इसमें अजीब क्या है, नाम तो नाम होता है। आपके यहाँ क्या क्या नाम होते हैं? भायंदर, मुलुंड, भांडू, अंडे को बेदा, प्याज को कांदा। हम तो नहीं कहते कि अजीब है। और वैसे देखा जाए तो खारी भी बड़ा अजीब सा नाम है किसी ऐसी चीज का जो बिल्कुल भी खारा ना हो। हेलो, तू बोलता ही रहेगा कि कभी सुनेगा भी? मैं अजीब खारी के नाश्ते को बोल रही थी। अब जो मिलेगा आदमी तो वही खाएगा ना, है कि नहीं? अच्छा, आज फिर तू अच्छा खाना खा। दे, आ गया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू। यही पे कहीं एक लम्हा खिल रहा। तो अंग्रेजी खाना बहुत पसंद है आप। वही पे तू जा एक लम्हा मिल रहा। I love it too. इनको जी ले जरा, ये है जिस तरह, ढूंढे क्यों इनमें भला फलसफा। 50% से 1 पैसा कम। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूं। एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन आदमी ने सोचा कि क्यों ना गर्दन दबोच के एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लूं। स्मार्ट। दीवार का डायलॉग क्या सॉलिड चिपका दिया तुमने डॉक्टर? दीवार का डायलॉग नहीं था, मेरी नानी सुनाया करती थी। अरे यार, तुम्हारी नानी सुनाती हो या अमिताभ बच्चन सुनाता? 5% तो बच गया ना हमारा। जी जी, क्या पता क्या है हो रहा दोनों के दरमियाँ, सख्तियाँ जो पिघल के बने नरमियाँ, जो लगा जिस तरह।
कैसी हैं ये महक? अच्छी हैं। अब ऊपर चाहे कैसी भी दिखें, दिल की बहुत अच्छी। अच्छा, तुमने कह दिया इनसे कि तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं ये? आप भी ना नागेश भाई, कमाल करते हैं। ये सब बातें कहने की होती हैं? अरे पंडित जी महाराज, यही तो बातें कहने की होती हैं। तुम्हें उससे साफ साफ कह देना चाहिए कि वो तुम्हें भैया बहुत अच्छी लगती है। अब रहने दीजिए, इतने भी बदतमीज नहीं हो गए हम यहाँ आके। Very nice. Let's take another one, okay? Awesome. These days they don't lose something. Hey, how's it going? Hi, how are you? Very good. This is Miranda. She's a costume designer for the video here. Miranda, भई आपसे तो हम मिलना ही चाह रहे थे। भई क्या आपने इतना बड़ा क्या बजट थमा दिया हमारी कंपनी को कॉस्ट्यूम्स का? हाँ, 17 lakhs is it? No, no, this is too much. I mean, she's so pretty. ये तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगेंगी। भई this was supposed to be in good sense of humor. प्लास साहब, I hope इनको बुरा नहीं लगा होगा। No, no, don't worry. She's a true professional. It's fine. Mehak, do you need a break? Everyone, break. Coffee. Come on. How many pictures left? You okay? Listen, I'm really proud of you. All right? Shuru kare. Okay, guys. Break over. नमस्ते। हाय। आपके पास पाक कला की कोई किताब है? विच वन? पाक कला। हु इज द ऑथर? कोई। दैट्स द ऑथर? नहीं नहीं नहीं, ये ऑथर का नाम नहीं है। पाक कला यानी कि खाना बनाने की विधि, कुकिंग बुक। कुकिंग? डू यू हैव इट? Indian, not foreign. Okay. Which foreign? Moroccan? Italian? Continental. कई सवालों के उलझे से है ख्यालों में दिन के कई सवालों के उलझे से है ख्यालों में उनके बीच में खोना नहीं बेवजह अपने जीने की तू वजह दिले नदा भैया आपके पास यैम है? यैम? यैम भैया, यैम ओबर्जिन वो भी नहीं है? यैम भी नहीं, ओबर्जिन भी नहीं है? अच्छा, ओकरा है? नहीं ओकरा, आगे जावा है। अच्छा भाभी, कुछ सामान लेना था और वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं मार्केट में, आप बता सकती हैं कहाँ मिलेगा ये यैम, ओबर्जिन और ओकरा? पाई है ये खूबी अपनाने की, गुलों के संग काटे ऊपर वाला, जितने आंसू उतनी खुशियाँ बराबर ही बाटे, तो गुनगुना ले जरा मन बना ले तू, जीना है हंसते मुस्कुराते, गम क्या है वो तो है छोटी बातें। Dile nada, dile nada, dile nada, dile
नहीं रे, थिंक यू जस्ट डू मी अ फेवर यार, आज तू रॉनी को बोल दे कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम नॉट वेल यार, मेरी डेट शुरू हो गई है. हाँ डिंगी, पर यार सच में मेरी तबीयत खराब है. हाँ थैंक्स, चलो के बाय. तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आई एम ओके. कुछ दवाई चाहिए? मैं लेके आता हूँ नीचे से. नहीं, मैं लेकर आता हूँ. थैंक यू. कल आप कब आई पता ही नहीं चला. तुम सो रहे? अरे तो उठा देना था, मैंने कल खाना बनाया था कॉन्टिनेंटल. सॉरी. नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, बहुत मजा आया कल खाना बनाने. अगर कुछ चाहिए तो मैं चाय बना रहा था. नो थैंक्स. अदरक वाली तुलसी डाल के बहुत. मैंने कहा ना थैंक यू. कल पास्ता बनाया था मैंने. तो मैं क्या करूं, पैर पड़ूं मैं तुम्हारे? तुमने खाना बनाया था, मैंने तो नहीं कहा था ना. अरे मुझे तो पता भी नहीं था, मैं काम से आई थी, मैं थकी हुई थी, तुम सो रहे थे, मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं तुम्हें क्योंकि तुम भी थके होगे. तुम इसमें भी बदतमीजी हो गई क्या? ससुरा सारा दिन खराब हो जाता है अगर सुबह की शुरुआत झगड़े से होती. बेटा बड़े लकी हो तुम जो बिना शादीशुदा हुए भी दाम्पत्य जीवन के मजे लूट रहे हो. सुबह की शुरुआत झगड़े तब होती है जब आप शादीशुदा होते हो. समझे? मुझे कुछ नहीं समझ. अरे भैया तुम्हें तो मतलब कभी कुछ समझना होता है. अरे भाई कोई बात हो तो प्रॉब्लम समझ में आए ना. हाँ हमें क्या नहीं होती प्रॉब्लम? मनखी तो नहीं होती ना. हाँ अब समझ में आया, उन्हें तो होता है मासिक दर्द. सॉरी. अच्छा ये बता, ऐसे ही हर महीने राशन पानी लेके चढ़ जाती है? बैंड बजाती है बेटा. खट्टी डकारे भी आ रही है, सब भी पूरा भारी हो रहा है जुकाम से, बुखार भी लग रहा है थोड़ा. कुछ मिला जुला के दे दीजिए कुछ दवा. बहुत तकलीफ. एक सैनिटरी नैपकिन दीजिए. कौन सा वाला दिया? दे दिया सर. अरे कमाल है, दे दिया का क्या मतलब है? एक कस्टमर को यह जानने का हक होता है कि वो कौन सी चीज खरीद रहा है, समझे ना? खोल के दिखाइए कौन सा वाला दिया है. आप ही खोल के देख लीजिए ना. कौन सी कंपनी का है? अच्छी वाली दी है. देखिए मुझे मत सिखाइए, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, दिन रात यही काम करता हूँ. तो आप ही बताइए ना कौन सा देना है. गुड इवनिंग. मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था. थैंक यू. देखिए इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, मुझे लगा ले आना चाहिए इसीलिए ले आया, सोचा आपको जरूरत होगी. सॉरी अगर बुरा लगा. अच्छा लगा. थैंक यू. अच्छा लगा पक्का ना? हाँ रे. फिर अच्छा. This 102. जी महक सर, इट्स अ स्मॉल हाउस पर आप यहाँ. आप शक्कर कितनी लेते हैं? नो शुगर प्लीज. थैंक यू. जरा भी? यस थैंक यू. रुके. यस सर. अच्छा यू रुके, और उसके बावजूद तुमने ये जरूरी नहीं समझा कि आज रिहर्सल में आ जाओ? नहीं सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. जस्ट नाउ यू सेड यू ओके, व्हाट इज इट? Are you okay? Are you not okay? No, sir. But. But what, Mehak? Huh? इसमें but कहाँ से आ गया?
एक ही बात हो सकती है ना, either you okay or you not okay, which one is it? Come on, make up your mind, man. Sorry, my mistake. Completely forgot. That our little Mehak is a star. No, sir, it's not that. It is exactly like that. In your little head, you're a star. Right? Aur isliye tumhe lagta hai ki tum ab tantrum throw kar sakti ho? No, sir. No? I'm sorry. No. I'm sorry. I'm sorry, I believed in you. मुझे लगा तुम special हो, but you're not. You're just like everybody is. Just plain ordinary shit. देखिए आप ठीक ठीक से बात कीजिए. विद्या please. But don't make this mistake, Mehak. तुम ये सच में believe मत करने लगना कि तुम कुछ हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो. You're a nothing. I can make you something, but you're nothing. कमाल है आप तमीज से बात. I'm not talking to you. But I am talking to you, na. And this is no way to talk to a lady. Vidya, shut up. No, Mehak ji, I'm sorry. You shut up this time. आपको पता है ये बीमार है? Really? Tell me more. कौन सी terminal बीमारी है तुम्हें? Cancer? Tumor? Brain hemorrhage? What is it? Menstruation, commonly known as periods. और ऐसे में महिलाओं को कई तरह की तकलीफें होती हैं. नौजिया होता है, बॉडी पेन होता है, मूड स्विंग होता है, और ये सारी वजहें बहुत हैं आपके काम पे नहीं आने के लिए. समझ गए ना? Calm down. इनसे मिलो, ये मेरी भाभी, ये महक है, और ये है नागेश. नमस्ते भाभी जी. अरे भाभी जी, दीदी है ये. थैंक यू भाई. एक मुझे भी दीजिए, सेम टू सेम. भाई जी पूछ तो लो, क्या है ये? चिंता ना करो, आइसक्रीम में पी चुके हैं हम इसे. कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ. भाई वाह, क्या बात है. पंडित जी अब तुम भी सुना दो कुछ. अरे क्या बात कर रहे हैं. अरे दिखाओ अपना जलवा यार. अरे नहीं पप्पू, चल ना पप्पू, सुना देना. देखिए मैडम करिए तो ठीक है भाई, अब बाद में हमें दोष मत दीजिए. अगर कहीं मैं घोड़ा होता, वह भी लंबा चौड़ा होता, तुम्हें पीठ पर बैठा करके बहुत तेज मैं दौड़ा होता. कड़बक कड़बक पलक झपकते ही ले जाता दूर पहाड़ी की वादी में, बातें करता हुआ हवा से बियाबान सी आबादी में. कड़बक कड़बक सुबह नदी में नहा दिखाता तुमको, कैसे सूरज उगता, तीतर कैसे दौड़ लगाता, कैसे पिंडुक दाना चुगता, बगुले कैसे ध्यान लगाते, मछली शांत डोलती कैसे, और टिहरी आसमान में चक्कर काट बोलती कैसे, कैसे आते हिरनों के झुंड और नदी में पानी पीते, कैसे छोड़ निशा पैर के जाते हैं जंगल में चीते. ढोल ढमाढम झान झमाझम रात नाच गाने में कटती, हरे भरे जंगल में तुम्हें दिखाता कितनी मस्ती करती. मैं पैर पटकता हिन हिन करता, तुम हंसते और खुश होते, कितनी नकली अपनी दुनिया यह कहते और फिर सोते. कड़बक कड़बक
ऊपर देख मेरी तरफ। पता है तू डांसर बहुत बुरा है। जी पता है, पर बाकी सब बहुत अच्छा करता। थैंक यू। I know. Mehak, I need to talk to you for a minute. जल्दी करो भाई। Sure. You don't mind. लग रहा था कि आप यहीं आएंगे। सब ठीक है ना महक? आपके पलास साहब ने कुछ कहा आपसे? देखिए, माना कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बड़े आदमी जो भी कहें वो सही हो। वो गलत भी तो हो सकते हैं। पलाश ठीक कहता, मुझ में वो बात नहीं है। मैं अभी भी आम लड़कियों की तरह बिहेव करती हूँ। कामयाब होना क्या इतना जरूरी है जीवन में? मेरे लिए है। मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मेरे लिए? 2 दिन के बाद मेरी जिंदगी की कामयाबी का सबसे बड़ा दिन होगा और मैं अकेली होंगी, ना माँ होंगी और ना पापा। लेकिन मुझे करना होगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए करना होगा। और जब मेरा नाम होगा ना, तब पापा बोलेंगे कि ये मेरी बेटी है। क्या छोड़ो, क्यों ना रस में आज डूब ना के।
रिलीज हुआ है, ऐसे 9 गाने और रिलीज होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है, आइए देखते हैं। हाय, आ गया तू? हाँ। गिफ्ट लाया मेरा? लाया ना। इन्होंने फोन किया, कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, मेरी बेटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। घर में भी सबने जोर दिया, आई मना ली तुझी, काही का से ना अपनी मुलगी है, उसकी खुशी में हमें शामिल होना चाहिए। ये है खुशी। याच्यासाठी घर सोडलंस तू, हे शिकवलं मी, हे असले संस्कार केले तुझ्यावर। मालवडे साहब, काय ग बोल की ग, घर में क्या जवाब दूंगा मैं? ये है हमारी मैक जो खुलेआम नाचती है कपड़े उतार के। चालेल का तुला? प्लीज प्लीज गो आउट, प्लीज एवरीवन गो आउट, बाहर स्नैक्स रखें प्लीज। थैंक यू। हेलो सर, सर अगर आप शूटिंग देखना चाहते हैं तो कम दिस में। महक, मालवीर साहब प्लीज एक मिनट। स्टार्ट शूटिंग इन 5 मिनट्स। यस सर। इट बी रेडी। चलिए। बहुत समझाने की कोशिश की आपके पिताजी को, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मुझ पे भी झल्ला उठे, लेकिन मैं समझ सकता हूं उनके दर्द को। होता है भाई, आखिर कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी को ऐसी हालत। आपको भी बात करनी चाहिए थी उनसे, आखिर पिताजी हैं आपके, आपने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? समझते वो, देखिए वो मिडिल क्लास आदमी हैं, छोटे शहर से हैं, उनका अपना समाज है, संस्कार हैं, बिरादरी है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सबको जवाब तो उन्हें देना पड़ता है ना। क्या कि उनकी लड़की आर्टिस्ट है? नहीं, आपकी बात सही है, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन समाज को छोड़ के रह भी तो नहीं सकता ना इंसान। पलाश ठीक ही कहता है। ऑल यू गाइस
देखिए, मैं नहीं जानता कि ये पलाश साहब क्या कहते हैं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। असल जिंदगी स्टूडियो के चार दीवारी के अंदर नहीं होती, समझ रही है? तो गया क्यों था बाबा को बुलाने? किसने भेजा था तुझे वहां पे? वो तेरे बाबा है या मेरे? किसने कहा था तुझे उन्हें बुलाने को? तू तो होता कौन है मेरे लिए डिसीजन लेने वाला? और तू बहुत बात करता है ना फैमिली की, संस्कार की, समाज की। तू आया क्यों है यहाँ मुंबई में? जाता क्यों नहीं अपने शहर वापस? तुझे तो मालूम है ना असली जिंदगी कहाँ है, तो जाना वापस। कर क्या रहा है तू यहाँ पे? I'm sorry. तेरा घर और as usual तुझे ही गालियां पड़ती हैं, पर कल से नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, and I hope जाने से पहले मुझे तेरी शक्ल ना देखनी पड़े। अम्मा, हम घर वापस आ रहे हैं। अम्मा, नहीं नहीं, इस बार हमेशा के लिए आ रहे हैं। नहीं, कुछ हुआ नहीं है, बस हम आ रहे हैं बस। का संग चला मन अभिमानी मन चला, छाए बदरा सघन और दूर है गगन। चला मन अभिमानी मन चला, जाएगा जाएगा पर कहां, रो सके पल दो पल छुप के जा। हुआ जो मलंग छोड़ अपनों का संग चला मन अभिमानी मन चला, छाए बदरा सघन और दूर है गगन। चला मन अभिमानी मन चला, अब ना रहेगा वास्ता। जग मेला पर अकेला, जग मेला पर अकेला, चैन पगले तू पाएगा कहाँ, जाएगा जाएगा पर कहाँ, रो सके पल दो पल छुप के जा। तू भूला ना वो भूली ना तू भूला, फिर बनाए हैं क्यों फासले। जाएगा जाएगा पर कहां।
अपनों का संग चला मन अभिमानी मन चला छाए बदरा सघन और दूर है गगन चला मन अभिमानी मन चला जाएगा जाएगा पर कहां रो सके पल दो पल छुप के जा फायदा नहीं ऐसे करके मैं तुम थक गई हो शायद थैंक यू पार्किंग नया घर कैसा तुम्हारा ठीक है अच्छा अच्छा ये बताओ किचन अच्छा है कि नहीं वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा है अच्छा है गुड कॉफी पाउडर है कॉफी काफी बुरी बनाती हो I'm sorry. But it's okay. मुझे बुरी कॉफी बुरी नहीं लगती Can you pass me that? This piece of cake, yeah. Thank you. Should I get you a plate? No, no, no. वो कहाँ गया तुम्हारा फ्लैटमेट व्हाट्स हिज नेम विद्या विद्या ही डिडंट शिफ्ट इन विद यू दिस टाइम अच्छा एक बात बताओ ही वाज इन लव विद यू वाजंट ही कहीं तुम तो नहीं प्यार करती थी उससे नहीं Good. Because otherwise it would have been a complete waste of time. मेरी समझ में आता नहीं है कि लोग प्यार क्यों करते हैं? Because it makes them happy. That's a good reason. Makes them happy. कहाँ गया वो तुम्हारा विद्या आजकल? पता नहीं तुम्हारी कॉफी झेल नहीं पाया शायद वैसे भी कॉफी हर किसी के बस की बात है नहीं इट्स बिटर फिर भी लोग पीते हैं कॉफी क्यों बिकॉज इट मेक्स देम हैप्पी दैट्स व्हाई समझ रही हूँ ना क्या कह रहा हूँ इफ यू हैव अ चांस टू बी हैप्पी जस्ट ग्रैब इट इवन इफ इट्स बेटर हाँ बोला नीचे कहाँ हो रहा है अम्मा कहाँ हो रहा है इतिवेदी जी कहाँ आए हैं हमारे घर लौटते ही शादी की चकल्लस लगा के बैठ गए आप लोग ये वो चकल्लस की क्या बात है सब बुझते हैं हम आवाज धीमी रखना अच्छा ये बताओ भैया बम्बई महानगर का कैसा रहा सफर अच्छा रहा कहा अच्छा रहा एकदम चिड़चिड़ाए गए बबुआ जब से गए हैं वहाँ हाँ जब फोन करे तभी चिल्लाते रहे अच्छा किया भैया आप चले आए यहाँ पर हाँ अरे छोटे शहर में आज भी जो शांति नसीब में है ना
बड़े शहर वाले तरसते रहते हैं उसके लिए। शांति नसीब होती है? कौन सी शांति नसीब होती है? गदोले में कदम रखो, कान के पर्दे फट जाते हैं। ये लौंडे आजकल मोटरसाइकिल चलाते हैं जिस तरह, तो कुछ कहो तो काटने को दौड़ते हैं। 1960 में गए थे हम मुंबई, बड़े कायदे का ट्रैफिक है वहाँ। मेरे जिज्जी की बड़ी बेटी की ससुराल है मुंबई में। हाँ, पिछली गर्मियों में ही मैं वहाँ पर गया था। बड़ा बुरा हाल है वहाँ के ट्रैफिक का, अब 1960 जैसी बात नहीं रह गई वहाँ पे। अरे तो 1960 जैसी बात बनारस में कहाँ रह गई है? दुनिया बदल रही है तो सभी जगह बदल रही है। लेकिन कुछ भी हो, अपना घर तो शहर बनारस ही है। तो कब तक घर पे पड़े रहेंगे ये? अच्छी भली नौकरी मिली थी बम्बई में, साहब छोड़ के भागा। तो नौकरी छोड़ करके आए हैं ना, यहाँ बनारस में हजार नौकरी मिल जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो द्विवेदी, बड़ा शहर होता है, वहाँ तरक्की के 10 रास्ते निकलते हैं। अब जिसकी तरक्की होनी है उसकी तरक्की तो हो ही जाएगी ना साहब। रसातल में जा रहा है समाज बहन जी, रसातल में जा रहा है। हर घर में ये बक्सा है, दिन भर चलता है, सब देखते हैं। और क्या दिखाता है? यही नंगनाच। पूछिए इनसे, रह करके आए हैं मुंबई, हर घर में वहां पर यही होता है नंगनाच। आप तो गए थे ना पिछली गर्मियों में, आपकी जीजी की बेटी के यहाँ होता है ना? मैं सरिता के घर की बात नहीं कर रहा हूँ। काहे? सरिता मुंबई के बाहर रहती हैं क्या? हैं? क्या लगता क्या है आप, मुंबई में इंसान नहीं बसते? वहाँ के लोगों का कल्चर नहीं होता? कल्चर बस आप लोगों के पास ही धरा पड़ा है। और क्या बुराई क्या है नाच गाने में? हाँ अम्मा, हमारी यूपी में गाड़ी नहीं गाई जाती शादी ब्याह में, भाई जी का डांस नहीं होता? नहीं, वो हमारी संस्कृति है। और कोई फिल्मों में डांस कर दे तो मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। अरे भड़के नहीं तो क्या करें, ताली भी जाएगा। हैं? उसकी शक्ल भी देखी है जो डांस कर रही थी? हैं? मैं दिखा देख। ये भी कलाकार है और अच्छी कलाकार है। ये भी छोटे शहर से हैं, कोल्हापुर से, जहाँ के संत कवि तुकाराम थे। वो तो पता होगा ना आपको द्विवेदी जी, घर छोड़कर आई हैं, अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं, अच्छे घर की हैं, अच्छे संस्कार की हैं। अब जरूरी तो नहीं कि सबके संस्कार एक जैसे ही हो द्विवेदी जी, क्यों? इतना सब कैसे जानते तुम इस लड़की के बारे में? का मतलब कैसे पता? दोस्त हैं हमारी, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम इन्हें। कहो आचार्य जी, ठीक हो ना? जी, बंबई में भी ऐसे ही जागते थे रात भर? अरे नहीं, सोते हैं, आज सुबह नींद खुल गई थी। नींद ही तो है, जरूरी तो नहीं कि हर रात आए ही। कुछ कहने का मन हो तो कह दीजिए। अब जब हम भाग के नहीं आए थे मुंबई, छोड़ कर आए। किसे? शहर को छोड़ कर आए थे, शहर वालों को छोड़ कर आए थे। फिर अब तक याद क्यों कर रहे हैं? यानी पूरी तरह छोड़ नहीं पाए अभी तक। आपकी ये दोस्त, क्या नाम उसका? वो अच्छी दोस्त है आपकी? थी अच्छी दोस्त, यानी अब नहीं है? प्रेम करते हो ना उससे, तो फिर दिक्कत क्या है?
जात पात को तो मानते नहीं हैं हम, और आपकी अम्मा को समझा लिया जाता है? नहीं बाबूजी, वो बहुत अलग सी हैं और हम भी बहुत अलग हैं उनसे। हर चीज तो अलग नहीं रही होगी, दोस्ती तो हुई थी ना आप दोनों में? लगा तो ऐसा ही था मुझे। उन्हें भी लगा था? जी लगा था, तो फिर सच ही है। और अब भी लग रहा है तो अब भी सच ही है। देखो बेटा, गंगा जी के दो किनारे, इन्हें कभी विश्वास नहीं था कि जुड़ पाएंगे, लेकिन इंसान ने पुल बना के जोड़ दिया ना इन्हें। इंसान अगर ठान ले तो जुड़ाव का रास्ता निकल ही आता। बाकी आप समझें, आप सोचें, क्योंकि समझना तो आप ही को है ना। नाम बाप। कहाँ चले? जी रेलवे स्टेशन बुकिंग कराना। सुनो, राम अवतार की दुकान से जलेबियां बंधवा लेना, आज तुम्हारी माँ का मूड बहुत खराब होने वाला है। भाई 5 मिनट के लिए कॉफी ब्रेक करते हैं प्लीज। पर सर, स्पॉट दादा, वो 2 कुर्सी लगाइए मॉनिटर के आगे, और विदय साहब के लिए कॉफी बनाइए। कॉफी पियेंगे ना विदय साहब? हाँ कॉफी तो आज जरूर पियूंगा। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम वापस भी आएंगे। फिर क्यों आया? पता नहीं, मैं मतलब पता है और नहीं भी, बहुत वजह हैं। जैसे? अब मसलन हमें अच्छा नहीं लगा इस तरह से शहर छोड़ के अचानक चला जाए, और मानता हूं कि बहुत समस्या थी मुझे इस शहर से, लेकिन जब दूर गया ना तो पता लगा कितना अच्छा है ये शहर। और भी बहुत वजह हैं। मेरी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा वाला फ्लैट है, अभी तक डिपॉजिट वापस नहीं लिया है मैंने। बस ये और भी कोई वजह है? आप हैं सबसे बड़ी वजह, तो आप हैं महक। हमने बहुत बुरा वक्त गुजारा है आपके साथ, लेकिन सच तो यह है कि आपसे ज्यादा अच्छा वक्त हमने कभी किसी के साथ नहीं गुजारा। मैं सिगरेट पीती हूं। लेकिन घर पे तो नहीं पीती ना? मुझे पता है सिगरेट पीनी बुरी बात है और मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पार्टी जरूर होगी, और वो भी महीने में कम से कम 4 बार। महीने में पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं हम। आपको आना जरूरी नहीं है, लेकिन पंजीरी
शुद्ध देसी घी में ही बनेगा, तेल वेल में नहीं। और ये मेरे से आप में फॉर्मेलिटी में बात बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हम तो इनफॉर्मली भी तू तड़ाक नहीं कर सकते महक। देखिए आप जैसी हैं वैसी रही, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, हम बात तो कर नहीं सकते हैं, लड़ना शुरू करते तो साथ कैसे रहेंगे हम? अरे तो कहां लिखा है कि दो लड़ाई करने वाले साथ साथ नहीं रह सकते? साथ साथ नहीं रहेंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे महक? मैं कभी नहीं बदलूंगी, बस यही वादा करना होगा। प्लीज प्रॉमिस दैट यू विल नेवर चेंज। पक्का? जी बिल्कुल पक्का। अब भी पक्का? जी बिल्कुल, अब भी पक्का और जब भी पूछेंगी तब भी पक्का। कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है? फिल्म की नहीं, म्यूजिक वीडियो की शूटिंग। क्या बात है, अबे डांस होगा डांस। अच्छा आप कर रहे हैं इसमें डांस? अरे नहीं भाई, मैं तो बाहर वाला हूँ, सिर्फ देखने आया हूँ। हम लोग भी बाहर वाले हैं। अच्छा फोटो तो खींच सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं। निकल निकल जल्दी निकल। अरे मेरी फोटो निकलना है? तेरी बात में निकलता हूँ। इतना टाइम पास कर रहा है, सामने देख फटाका खड़ी है, खींच उसका। भाई साहब वो दोस्त है मेरी। अच्छा हाँ क्या बात है? जी हाँ, और मैं भी दोस्त हूँ इनका। सर पानी क्या बात है भाई? और एक और बात बताओ, अगर अपनी अच्छाई चाहते हैं ना तो चुपचाप निकलते बनिए यहाँ से, नहीं दूंगा दो चमाट सारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी आप लोग। कैसी बात कर रहे हो? आवारा गर्दी के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी? सिक्योरिटी बाहर निकालो इन लोगों को। चलिए मोहल्ला बना के रखता है। फैसले हैं करने संभल के मगर चंद फैसले हैं। घोंसलों के ख्वाब तो सही है, हौसलों में हर्ज भी नहीं है, पर जिंदगी की खुशी उनसे पहले है। काश हो सके दिल के फैसले जिंदगी के संग चल सके। जिंदगी मगर ऐसी है कहाँ फैसलों में
जो ढल सके। तू सितारे तोड़ पाएगा।